हेलो गाइस, कैसे हो सब आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विशुद्ध आ गए घर में। और आज है 14 जून। हम लोग 13 को विशुद्ध का टेस्ट किए थे और रिपोर्ट आज आ गया है। और रिपोर्ट विशुद्ध का नेगेटिव आया हुआ है। बहुत ही आप ही लग रहा है बहुत ही। और पीयू का रिएक्शन आप लोग देख सकते हो, मतलब आते आते ही विशुद्ध को देखते वो क्लैप क्लैप करने लगी है। डाडा से बहुत दिन दूर थी 14 डेज, और ये फर्स्ट टाइम था 14 डेज पीयू इतना दूर थी। नहीं तो जब से पैदा हुई है बस डाडा के साथ ही रही है वो। और ये थोड़ा सा बस लॉन्ग टाइम हो गया और सब कुछ सही हो गया गाइस। बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। हेलो। और विश्वित परसों ही आया है और आज है 16th। और 14 को वो आए, 14 को विश्वित का नेगेटिव आ गया रिजल्ट। और बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। घर जैसे खाली खाली हो गया था। और बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि नेगेटिव आ गया। थोड़ा सा मतलब हम लोग टेंशन फ्री हो गए कि नेगेटिव आ गया। बहुत ही मन में डर था अगर पॉजिटिव आ जाएगा फिर से तो आ जाएगा नहीं, नेगेटिव आ गया। क्या नहीं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हाँ, बहुत ही डर लग रहा था। और थोड़ा सा विश्वित को वीकनेस है और कैसा लग रहा है। बहुत ही हाँ नाव एक तरीके से मतलब हाँ सही है। और आज है और विश्वित का डिमांड है चिकन खाने के लिए। एक्चुअली ओडिशा में एक फेस्टिवल चल रहा है अभी और वो फेस्टिवल होता है, इसका नाम है रौजा फेस्टिवल, रौजा बोलते हैं उसको। और ये 3 डेज का होता है और हर साल ये जून में ही आता है, 14 को आता है। 99% 14 को आता है ना। हाँ, मतलब कि संक्रांति के मैं ये बोल रही हूँ कि 14 को आता है। हाँ। जून 14 को फिक्स है इसका डेट, कभी कभी 15 को आता है। और 14, 15, 16 3 डेज जो होता है। और ये 3 डेज बहुत ही लोग एंजॉय करते हैं। विशेष बहुत दिन आए 14 को, तो वो दिन हम लोग सेलिब्रेशन नहीं किए, कल ही किए थे 15 को। थोड़ा सा घर में बना था, वो बोलते क्या पोड़ो पीठा स्पेशल, ओडिशा स्पेशल वो होता है पोड़ो पीठा। और उसके साथ बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं समर टाइम में, जो फ्रूट्स वगैरह आते हैं ना, वो जैक फ्रूट्स और मैंगो और थोड़ा सा वो क्या था जामुन बोलते हैं उसका, हाँ वही वाला मिलता है, तो वही सब खाते हैं। पोड़ो पीठा खा के थोड़ा सा बचा है बस। विश्वित का फेवरेट है, मेरा ही फेवरेट है, तो वो बना ली थी मैंने। और ये रहा, देखो ये विश्वित का नया वाला नहीं है क्योंकि विश्वित वहाँ पे थे रौजे में, इसका फेस्टिवल में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि वो वहाँ पे थे। मैं बार बार बोली थी कुछ ले लूँ तुम्हारे लिए, विश्वित बोले थे नहीं नेगेटिव आने दो, फिर से हम लोग बाद में कुछ लेंगे। तो विश्वित का तो नया नहीं है। और ये वाला जो ड्रेस है ये मेरा नया वाला है और विश्वित हमें मैचिंग करके पहने हुए येलो कलर। और ये रहे हमारे पीयू मैडम, उसका है नया वाला ड्रेस वहाँ पे। पीयू यहाँ पे देखो, पीयू थोड़ा सा पकड़ लो। और पीयू बहुत ही हैप्पी है सच में, बहुत ही, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है विश्वित को देख के इसमें। मतलब हम लोग इतना टेंशन में थे ना, विश्वित अच्छे हो गए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारा कोविड का? कोविड का खतरनाक टाइप का था भाई, डिमांड था थोड़ा सा बना लो। एक्चुअली जो फेस्टिवल होता है ना, ये फेस्टिवल में एक डे ऐसा आता है मतलब कि ट्यूजडे से ये फेस्टिवल शुरू हुआ है। ट्यूजडे हम लोग नॉनवेज नहीं खाते और कल था सेकेंड डे था ना, तो सेकेंड डे संक्रांति होता है, संक्रांति में भी हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। और आज है वेडनेसडे, तो ये एक जो फेस्टिवल होता है मंडे से शुरू हुआ। मंडे को हम लोग नॉनवेज खाते हैं लेकिन जिस वो ही दिन आए तो नहीं खाए, कल संक्रांति गया। और उसके बाद आज है वेडनेसडे, तो आज हम लोग खाएंगे नॉनवेज। और ये जो फेस्टिवल होता है ना उसमें मटन होता है
और मटन नहीं होगा क्योंकि विश्वित को इतना हैवी देना अच्छा नहीं है, क्योंकि मटन थोड़ा सा ऑयली होता है तो विश्वित के लिए सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। इसीलिए मैं बनाऊंगी चिकन और चिकन कौसा, मतलब कि विश्वित का डिमांड था चिकन कौसा बना लो, मैंने बोला कि नहीं चिकन कौसा नो। अरे क्या कर रहे हो विवेक, और इसलिए मैं बनाऊंगी कड़िया पत्ता चिकन, करी लीव्स चिकन जो बोलते हैं, थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं रहेगा, ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम होगा, ऑयली भी कम होगा, तो हम लोग खाएंगे। हैप्पी भाई 14 डेज से, मतलब कि घास फूस वाला खाना, वेज फ्रूट्स और कितना वेजिटेबल्स खाए, नहीं वही रोटी चावल, आज बनेगा नॉन वेज, तो चलो मैं बना लूंगी पहले। अरे ये मैडम को देखो बस, वो डाडा के पीछे पीछे, जब से डाडा आए हुए हैं उनके पीछे पीछे। ए चलो मैं बना लेती हूँ। और ये रहा मैंने यहाँ पे कट करके रखा है थोड़ा सा ऑनियन मैंने लिया था, 3 बड़े बड़े ऑनियन लिया था, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ये रहा जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटर, और ये रहा हमारा चिकन। और ये बिश्वी देखो कितने सारे लेके आए कड़ी पत्ता करी लीव्स, मतलब कि इतना का क्या करूँगी, बहुत ही ज़्यादा लेके आ गए। और अभी मेरा तेल हो गया है गर्म, ये जाएगा तेल के अंदर, इसे बस थोड़ा सा मैं सॉटे कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा, इसके बाद मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी इसमें। और ये रहा मेरा फ्राइड आलू, मतलब कि हम लोग जब चिकन कोसा करी आइटम्स कुछ भी खाते हैं विदाउट आलू तो हम लोग कभी भी नहीं खाते हैं, और जो कड़िया पत्ता चिकन है उसमें भी आलू नहीं आता है, फिर भी मुझे लगा नहीं थोड़ा सा आलू डाल दूंगी, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। उसका मैं कुछ भी नॉन वेज आइटम आप लोग बना लो इसमें आलू जाएगा ही जाएगा। में डालेंगे थोड़ा सा नमक, जल्दी से जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, नमक डालने से फिर। यहाँ पे ये देखो प्याज और करी लीव्स जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। यहाँ पे मैंने मसाला हो गया जिंजर गार्लिक और ऑनियन पेस्ट, ये मैंने लिया था 4 टेबलस्पून, और अभी जाएगा उसमें थोड़ा सा चिली पाउडर, चिली पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा करिंडर पाउडर होता है ना धनिया का पाउडर, वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उसका फ्लेवर। और ये रहा जीरा पाउडर थोड़ा सा मतलब कि कम जाएगा, 1/2 टेबलस्पून ऐसे ही। और एंड में ये रहा हल्दी, टर्मरिक पाउडर 1/2 टी स्पून, अभी जाएगा ये टमाटर मैंने लिया था 3 मीडियम साइज के टमाटर, थोड़ा सा नमक। और यहाँ पे देखो इसको बस, यहाँ पे बस मैं जब भी किचन में आती कुकिंग करती हूँ, बिश्वी थोड़ा सा काम करते हैं, ये बस यहीं पे बिजी रहती है। और मैंने थोड़ा सा दे दिया नमक स्वाद अच्छा। और ये भी थोड़ा सा मतलब मसाले जब तेल छोड़ देंगे उसके बाद मैं चिकन ऐड कर दूंगी, चिकन जब हो जाएगा 80% उसके बाद मैं डालूंगी फ्राइड आलू, क्योंकि फ्राइड आलू थोड़ा सा मेरा हो गया यहाँ पे। और ये रहा मेरा चिकन, ये जाएगा बाद में। ये थोड़ा सा हो जाएगा मेरा चिकन। प्यू चिकन कौन खाएगा आज? प्यू सीयर प्यू हाँ, ये बस डाडा के पीछे पीछे, चलो जाने दो। और यहाँ पे देखो बाहर मतलब कि बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा बस बारिश हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि वेदर बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और देखो वहाँ पे भी 4-5 डेज से बहुत जोर से बारिश चल रही है यहाँ पे,
कहाँ जा रहे हो? और जितने टाइम बारिश हो रहा है पीयू बस बार बार बाहर आ रही है और उससे बस वो पानी में भीगना है थोड़ा थोड़ा सा। अंदर आ जाओ, कम 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 इनसाइड, कम, नो नो नो, कम कम पीयू कम, नो। तो यहाँ पे ये तेल छोड़ रहा है, मसाला बिल्कुल भी हो गया है मेरा। अभी जाएगा ये चिकन और आज मतलब कि बाहर बहुत ही बारिश हो रहा है, बारिश तो मतलब 3-4 दिन से बहुत जोर से हो रहा है, बहुत ही ठंड भी लग रहा है। ऊपर से ये चिकन बहुत ही अच्छा लगे खाने में। और ये चिकन अभी हो जाएगा 30 मिनट्स का, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा सा पानी मतलब कि इसको जो पानी चला जाए उसके बाद मैं ये जो आलू है यहाँ पे ऐड करूँगी। और ये 90% 80% हो जाएगा चिकन, उसके बाद मैं आलू को ऐड कर दूँगी, उसके बाद ये हो जाएगा। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखा है पीयू का खाना, ये भी हो गया है। चलो बिल्कुल भी सीम में रहेगा गैस। क्या हुआ? आओ बापरी। ये रे देखो हमारी मैडम है हम पे, देखो 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 कैसी हो रही है, देखो डडा आगे जाओ भागो। थोड़ा सा इसे ऊपर करो ना स्टेप का, जोर से ऊपर ऊपर करके करो थोड़ा सा। देखो जब से डाडा आए हुए हैं उसका बस वो बहुत ही खुश है, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाहर इतनी बारिश हो रही है कि क्या हुआ मम्मा, क्या तो मम्मा शिश शिश हाई फाइव करो, हाई फाइव हाई फाइव हाई फाइव। हाँ बस हाई फाइव सीखी है और क्लैप क्लैप दो ही सीखी है। और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से बारिश हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं सच में अच्छा नहीं लग रहा है, बारिश हो रहा है ऊपर से हम लोग चिकन खाएंगे नॉनवेज। और ये जो फेस्टिवल होता है ना रोड फेस्टिवल में झूला झूलते नहीं है, इसका हाथ थोड़ा सा ही कर दो, ड्रेस घुस गया हम। और झूला झूलते है यहाँ पे तो मतलब झूला कहाँ पे मिलेगा, वहाँ पार्क वगैरह अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग जाते, और कोविड भी है तो। और जो उड़ीसा में होता है जो गांव वगैरह होता है वहाँ पे मतलब कि फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। और ये रहा आलता, इसको क्या बोलते, आलता ही बोलते ना, औलता तो उड़िया रे कौन थी, औलता इससे उड़िया भी बोलते हैं, आलता सारी हिंदी में बोलते हैं मुझे ठीक से नहीं पता। तो ये वाला लगाने वाली हूँ मैं थर्ड रोजो, मतलब कि आज थर्ड डे है, लास्ट भी है, आज ही लगाऊंगी, टाइम ही नहीं मिल रहा था बस। और विश्वित ये मुझे लगाते हैं, हर टाइम विश्वित लगाने वाले हैं, पैरों में लगाते हैं ये। और ये देखो गाइस यहाँ पे मेरा मनी प्लांट जो मैं लेके आई थी बाहर से, और देखो कितना बड़ा हो गया यहाँ पे। तुम दोनों वहाँ पे क्या कर रहे हो? हम दोनों थोड़ा बारिश का मजा ले रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हो बस, मजा बारिश में बस, इतना ठंड मंड हो जाएगा फिर से मैं टेंशन नहीं ले सकती तुम्हारे लिए, आ जाओ अंदर आ जाओ। और क्या गाइस, और ये देखो मेरा पूरा का पूरा ड्रेस, ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये मैंने ऑनलाइन से लिया हुआ था मिंत्रा से, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और क्या क्या पीयू बार बार बालकनी में, बारिश हुआ कि नहीं, शुरू हुआ कि नहीं, वो बालकनी में जाएगी और पानी में बस भीग गई। चलो चलो देखो उसे जाना है, बस उसे जाना है, देखो नो 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 नो। और हम लोग पान लेके आए, रोजो फेस्टिवल जो होता है जब मीठा वाला पान खाते हैं, मीठा वाला पानी खाते ना वो, तो कड़वा वाला तो नहीं खाते, नहीं मीठा वाला ही खाते, वो मीठा वाला खाते हैं। और उसमें चेरी लगा हुआ होता है, जो चेरी वगैरह होता है ना, मगाई बोलते हैं उसे, चेरी लगता है ना उसके ऊपर, मगाई वगैरह तो है इसको अंदर ना, है ना। और चेरी जो होता है वो नहीं मिला। और हम लोग कल बाहर गए थे, विश्वित परसों आए, हम लोग कल बाहर चले गए, बहुत सारे शॉपिंग वगैरह करना था, फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो लेके आ गए। और पान बहुत ही मुश्किल से मिला, वो जो रोजो पान बोलते हैं पान खाते, विदाउट पान रोजो का मतलब कुछ भी नहीं होता है सच में। और खाने के बाद पान 4 लाए थे, कल 2 हम लोग खा लिए और आज 2 खाएंगे, तो वो खाने के बाद हम लोग खाने वाले हैं। भूख लग रही है क्या? नहीं विशेष को कितना भी भूख लगे वो नहीं बोलेगा मुझे भूख लग रहा है भूख लग रहा है, वो नहीं बोलेगा सच में। और ये इसको देखो बस, चेयर तो नहीं है डाइनिंग टेबल में, सारे के सारे चेयर्स घूम रहे हैं घर में, और ये घूम रही है डाइनिंग टेबल के नीचे, लगा दो कि मुझे थोड़ा सा, हाँ ये पति का काम होता है।
चलो लगा लो। वनस्पति ढकना काजा तो ये रहा चिकन, आ जा यहाँ पे। हाँ थोड़ा सा टेस्ट करो और उसे रहने दो, बाहर रहने दो, थोड़ा सा टेस्ट करो कैसा लग रहा है। दिख रहा है बहुत ही यम्मी भी दिख रहा है ना। बहुत दिनों के बाद तुम्हारे वजह से मैं भी नॉनवेज नहीं खा रही थी। खा के देखो, गर्म है थोड़ा सा, केयरफुल। कैसा है, कैसा लग रहा है? यम्मी है, बहुत ही मजा आया। सच में बहुत ही मजा आया। अच्छा है ना? इतने दिनों के बाद नॉनवेज खा के कैसा लग रहा है बोलिए, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और एक पीस खा लो। मैंने दो तीन पीस खा लिया। यम्मी, नो वो तो। तो गाइस ये देखो, ये रहा मीठा पान जो हम लोग कल लाए थे। मैं थोड़ा सा मतलब दब गया है और पी गए। यहाँ पे देखो लाइन देख रही है, सोप के नीचे उसका ड्रेस वगैरह सब कुछ पीऊ। मैडम जी यहाँ पे देखो नीचे राइम्स पे इतना बिजी है कि बोलो मत, बस राइम्स पे घुस जा रही है। और ये रहा रॉजर स्पेशल मीठा पान, बहुत ही मुश्किल से कल मिला था। विशुद्ध आते आते जाके ले आए थे। और यहाँ पे चल रहा है विशुद्ध का ऑफिस का काम। वो भी आ गई पीछे पीछे। हाँ आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। हाँ आ जाओ, ले लो एक पान ले लो। और गाइस ये देखो, मुझे मेहंदी नहीं मिला तो यलता से मैंने मेहंदी कर लिया इस टाइप का। क्या चाहिए देखो, है बोला। हाँ ले लो, ले लो। और ये पानी बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही अच्छा भी होता है। क्या क्या चाहिए, और क्या चाहिए? बोलो 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 बोलो। अच्छा अच्छा, इसका मूड थोड़ा सा बिगड़ गया। कभी विशेष और मैं मतलब बात करने आ जाती है रूम में तो इसका मूड बिगड़ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा आ जाओ मामा के पास, आ जाओ। अच्छा ठीक है, वो भी बाय बाय बोल लेगी सब। तो चलो गया जो हो, तो फिर मतलब विदाउट पान कुछ नहीं होता है। सच में हमारे यहाँ पे तो नहीं होता है, झूला भी झूलते हैं लेकिन झूला नहीं मिला यहाँ पे। अगर पीयू का आता तो हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हो, पीयू का भी नहीं है। तो चलो गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय। और मेरा जो है फ्राइडे को वैक्सीन है, फ्राइडे को है ना, फ्राइडे या सैटरडे, मतलब फ्राइडे सैटरडे कौन सा डे है, वैक्सीनेशन का डे है। और मतलब कि वैक्सीन लेने के बाद क्या होगा मुझे पता नहीं। अभी से सोच सोच के मुझे बस फीवर आ रहा है सच में, और मुझे किसी से बहुत ही डर लगता है। तो चलो गाइस बताओगी? अच्छा तो बाय बाय बोल दो सबको। बाय बाय बोल दो, बाय बाय बोलने आई थी। बोल रही है कुछ।